रवि भारत चैत्र मार्ग सिर्ग के शुक्ल पक्ष में पहले रविवार को गोबर से चौंका लगाकर उस पर चंदन से द्वादश दल पद्म लिखे, उसके मध्य में सूर्य की मूर्ति स्थापित करके षोडशोपचार पूजन करें। विशेषता ये है कि चैत्र के व्रत में भानु नाम की पूजा, घी और पूरी का नवेद, दंडिम का अर्ध, मिठाई का दान और तीन पल दूध का प्रसान भोजन, बैसाख में तपन का पूजन, उर्द और घी का नवेद, दाख का अर्ध, उर्द का दान और गोबर का प्रासन, ज्येष्ठ में इंद्र सूर्य का पूजन, दही और सत्तू का नवेद, आम्रफल का अर्ध, चावलों का दान और दध्योदन का भोजन, आषाढ़ में सूर्य का पूजन, जयफल का नवेद, चिवड़ा का अर्ध, भोजन का दान और तीन काली मिर्चों का प्रासन, श्रवण में गवसित का पूजन, सत्तू और पूरी का नवेद, चिवड़े का अर्ध, फलों का दान और तीन मुट्ठी सत्तू का भोजन, भाद्रपद में यम सूर्य का पूजन, घी भात का नवेद, कुसमंडा का अर्ध, उसी प्रकार का दान और गोमूत्र का प्रासन, अश्विनी में हिरण्य रेता का पूजन, शर्करा का नवेद, दंडिम का अर्ध, चावल और चीनी का दान और तीन फल चीनी का भोजन, कार्तिक में दिवाकर का पूजन, खीर का नवेद, केले का अर्ध, खीर का दान और उसी का भोजन, मार्गशीर्ष में मित्र का पूजन, चावलों का नवेद, घी गुड़ और श्री फल का अर्ध, गुड़ घी का दान और तीन तुलसी दलों का भक्षण, पौष में विष्णु का पूजन, चावल और मूंग और तिलों को खिचड़ी का नवेद, बिजोरे का अर्ध, अन्न का दान और पाप भर घी का भोजन, माघ में वरुण सूर्य का पूजन, केले का नवेद, तिलों का अर्ध, गुड़ का दान और तीले गुड़ का भोजन एवं फागुन में भानु का पूजन, दही और घी का नवेद, जवीरी का अर्ध, दही और चावलों का दान और तीन पल दही का प्राशन करें। इस विधि में यम इंद्रादि के नाम आए हैं, वह सूर्य ही नाम है। यह व्रत वर्ष पर्यंत करने के बाद उदापन करें तो सब प्रकार के रोग दूर होते हैं। सभी प्रकार के व्रतों की 18 पुराणों की वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, तो जो और लोगों को भी इसका लाभ मिले।